ऐसा ही पेपर लीक का गड़बड़ झाला अभी थमा भी नहीं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार एक और भर्ती को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुई भर्ती में कूटरचित दस्तावेजों में नियुक्ति का मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को रडार पर ला दिया है। ये रिपोर्ट देखें। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कारनामे धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और अब जालोर में भी एक सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है, जिसने कनिष्ठ लिपिक भर्ती पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दरअसल मामला कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 से जुड़ा है, जिसमें 2022 में लक्ष्मण लाल चौहान को भी नियुक्ति दी गई है, जो वर्तमान में जालोर की सरनाऊ पंचायत में कार्यरत है। लेकिन ये नियुक्ति कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, जिसका खुलासा अब हुआ है। जालोर के अंतर्गत क्रमांक नंबर 23 पे एक लक्ष्मण लाल चौहान को नियुक्ति दी गई है 14 नवंबर 2022 को। उक्त अभ्यर्थी के खिलाफ पाली न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा है जो करंट में रनिंग है और 22 अक्टूबर 2024 को उसकी हेयरिंग भी है। ये मुकदमा 2019 से 2024 के बीच तक अभी तक रनिंग है और इस उक्त व्यक्ति ने राजकीय नियुक्ति लाभ पाने के लिए जो दस्तावेज पेश किए, उस दस्तावेज सारे कूटरचित किए, फर्जी दस्तावेज किए, काफ़ी झूठे दस्तावेज किए, जिसकी शिकायत मैंने जालोर प्रशासन से दो बार कर चुका हूँ, 2022 में जिस दिन नियुक्ति हुई उससे दो घंटे पहले, और उसके बाद में 2023 में भी मैं कंटिन्यूसली इसकी शिकायत दे चुका है। लेकिन जालोर प्रशासन इस मामले में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि लक्ष्मण लाल चौहान के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट पाली में 108/19 CRO के तहत केस चल रहा है। इसके बाद बावजूद पाली SP ने उसका वेरिफिकेशन कर दिया और केस की बात का जिक्र तक नहीं किया गया। और यही नहीं, लक्ष्मण लाल चौहान ने संतान संबंधी घोषणा पत्र में भी गलत तथ्य दिए। घोषणा पत्र में दो बच्चों का जिक्र किया, जबकि लक्ष्मण चौहान के 5 जीवित संतान है। मामले को लेकर जालोर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। लाल सनो पीतालाल और मेघवाल इंदला का है, जिसका 10 नवंबर 2022 को थाना के द्वारा एक चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया इसके खिलाफ कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ या जांच से यह पता चला है कि उसके खिलाफ 180/19 अंडर सेक्शन 384 IPC का मुकदमा है और वर्तमान में न्यायालय में ये चल रहा है। इस संबंध में SHO से बात की है, जांच करेंगे, जो भी सही इसमें खामियां रही वो दूर करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो कि उस संतान संबंधी प्रमाण पत्र में इसने तथ्य छुपाया है और ये जालोर प्रशासन को मैंने सारे कागजात पेश कर लिए थे, फिर भी जालोर प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक भी ये व्यक्ति जालोर जिला परिषद के अंदर कार्यरत है और जालोर प्रशासन इस पूरे मामले को दबाना चाहता है, छुपाना चाहता है। हालांकि ये तो बाद में जाँच के बाद ही पता चलेगा कि जालोर प्रशासन इस मामले को क्यों छुपाना चाहता है और क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। लक्ष्मण लाल चौहान को कूटरचित दस्तावेजों से नौकरी तो मिल गई, लेकिन झूठ आखिर कितने दिन छिप सकता है? एक ना एक दिन झूठ उजागर होता ही है और ऐसा ही हुआ है लक्ष्मण लाल चौहान के साथ। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई कब तक की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर।